दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसमें आपको बताया था कि जो धूप स्टिक है वह किस प्रकार से डिप की जाती है। तो देखिए, पूरा प्रोसेस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको जो वीडियो है देखिए इस वीडियो के बाद चल जाएगा। तो देखिए, उसी से जुड़ा एक जो सवाल यह है मेरे सब्सक्राइबर का, सर हम जब धूप डिपिंग करते हैं, धूप स्टिक को डिप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम एब्जॉर्ब कर जाती है, तो देखिए इसका कारण क्या होता है। तो देखिए, इसका कारण मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटा भी दबा देना, जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था डिपिंग का, ठीक है, तो देखिए जो क्या होता है, अगर आप सॉडस्ट या फिर दोस्तों आप किस तरह का ब्लेंड यूज़ करते हैं, जो कि ज़्यादा जो वुड पाउडर जो इस्तेमाल करते हैं, और उसके कारण दोस्तों क्या होता है, कभी कभी हमारा जो परफ्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए 1 किलो धूप स्टिक में अगर आपका दोस्तों 300 ग्राम तक परफ्यूम एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी जितना ज़्यादा परफ्यूम आपका एब्जॉर्ब करेगा धूप स्टिक, उतना ही दोस्तों जो खुशबू है उसके अंदर से उतना ही अच्छा आएगा। अब देखिए, बहुत से लोग क्या करते हैं, अपनी धूप स्टिक में दोस्तों ग्वार गम मिला देते हैं। ग्वार गम से क्या होता है, जो सेंट वगैरह वो फिसल जाता है, तो ज़्यादा नहीं उसमें लग पाता, तो इसमें क्या होता है कि वो उतनी ही दोस्तों उसमें खुशबू क्या होती है, कम होती है। तो देखिए, जो आदर्श जो मैं आपको बताऊं, यानी 1 किलो में अगर 250 ग्राम तक आपका जो परफ्यूम है वो एब्जॉर्ब कर लो, तो वेल एंड गुड है। और देखिए, अगर 300 350 ग्राम अगर लग रहा है, ठीक है, तो और भी अच्छी उसकी जो खुशबू है देखिए वह भी ज़्यादा तेज आने लगेगी। और दोस्तों, अगर इससे भी ज़्यादा आपका जो परफ्यूम है अपनी धूप स्टिक में आपका एब्जॉर्ब कर रहा है, तो देखिए इसका मतलब यह है कि आपका जो कॉस्टिंग वगैरह, ठीक है, वह बिगड़ जाएगी, आपकी जो धूप स्टिक वो महंगी होती चली जाएगी। तो देखिए, कारण मैंने आपको बता दें क्यों एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि क्या होता है कि ये वुड बेस होते हैं, ठीक है, अगर चारकोल बेस कोई धूप स्टिक होगी तो वो परफ्यूम को कम एब्जॉर्ब करेगी, और जितनी भी जो धूप वुड बेस जो जितनी भी होती हैं, चाहे वह T1 हो, चाहे वो व्हाइट चिप्स हो, चाहे वो कस्सा पाउडर हो, ठीक है, तो जितनी भी जो वुड बेस जितनी भी धूप स्टिक होती हैं वो परफ्यूम ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा वीडियो जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।